ज्यादा खुश होने और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा से था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से कुछ अधिक मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रगतिशील रहना चाहिए। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को ही प्राथमिकता देना चाहिए। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार से प्रकृति मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता जाता ही रहता है। वह कभी भी स्थायी नहीं रहते हैं। मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्ति के लिए आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा वो मृत के समान है। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया?
तुमने जो लिया वो यहीं से लिया और जो दिया वो यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा, इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। इंसान को अपने जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी तुम ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना केवल जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझसे कम प्रिय है और ना ही अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।